तो भाई आपने एटीएम मशीन वाले गोलगप्पे तो देख लिए होंगे। आज मैं आपको दिखाने लाई हूँ ये मटका मशीन वाले गोलगप्पे। जो एक बार आया ना वो चार को जरूर लेके आया। तो भाई यहाँ पे देखो इतनी बढ़िया सी यहाँ पे एक वैन लगी हुई है और यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत ही ढेर सारे आपको दिखेंगे मटके, और इन मटकों के अंदर है गोलगप्पों का पानी। तो हम भी ले लेते हैं अपने लिए एक गोलगप्पे की प्लेट। तो भाई आंटी जी ना ऑलरेडी यहाँ पे खा रही है, तो मैं थोड़ा सा उनसे एडवाइस ले लेती हूँ कौन सा पानी ट्राई करूँ पहले बताओ। सब बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे लगे, सब बहुत अच्छे हैं। आपको कौन सा अच्छा लगा आंटी जी? सबसे बढ़िया है हींग का। हींग का? तो भाई आंटी ने बोला सबसे पहले हींग का ट्राई करो, और इन आंटी को तो सारे अच्छे लगे। तो भाई हमको मिलेगा इस तरीके से दोना गोल गप्पे, तो भाई लेडीज के फेवरेट होते हैं ना। तो भाई यहाँ पे लगा देती हूँ मैं अपनी प्लेट। आपको करनी है थोड़ी सी मेहनत लेकिन बहुत ही मजा आएगा। तो हमने उठा लिया है अपनी यहाँ पे भाई पूरी, ये आएगा आंटी जी बुकड़ यात्री पर फेसबुक पर। तो आप लोगों ने भी अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने ले लिया आंटी की रिकमेंडेशन पर हींग का पानी। बड़ी चटपटा था, और हींग तो वैसे भी आपकी सेहत के लिए बढ़िया होती ही है। अब मैं दूसरा ट्राई करती हूँ यहाँ पे मीठी चाट का पानी। तो ऐसे ना पास आओ ज़रा भाई, देखो इतने बढ़िया से मटकों के अंदर जब इन्होंने पानी रखा हुआ है ना, तो पानी का स्वाद ही अलग हो गया यार, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैंने लिया मीठा पानी। बेस्ट चीज़ क्या है ना कि इसके अंदर सोंधापन बढ़ गया है। अब आ गया यहाँ पे लहसुन का पानी। ओए होए होए, जो लहसुन होता है ना, एक तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा जो इसका टेस्ट होता है ना एकदम खटासी होती है ना, बिल्कुल वैसा सा आ रहा है। अब आखिरी बचा हमारा पुदीना वाला पानी। तो वीडियो को ना एंड तक देखते रहना, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा। साथ ही साथ उन दोस्तों को भी टैग कर दो भैया जो कि ना गोलगप्पों के दीवाने हैं, क्योंकि गोलगप्पे ना सिर्फ लड़कियां क्यों, लड़के भी बहुत दबा के खाते हैं भाई। और देख लो मेरी लाइन हो गई, ऐसे लोग यहाँ पे लगे रहते हैं अपनी लाइनों में कि भाई हमारा भी जल्दी से नंबर आए। जैसे ही एक बंदा यहाँ से खा के निकलता है, तो भाई मुझे ना सबसे अच्छा लगा यहाँ पे एक तो मीठा और हींग का पानी। लहसुन मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से तो मीठा और हींग। तो अब आपको बता देते हैं कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो भाई नोएडा के सेक्टर 77 में आना है, स्काई मैरियट यहाँ पे सोसाइटी है। और ये जो वैन है ना, सिर्फ गोल गप्पे ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा। एक बार जरा इनका मेन्यू भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आलू टिक्की, दही भल्ला, पापड़ी चाट, भल्ला पापड़ी। प्राइजेस देखो कितने नॉमिनल से प्राइजेस है, सिर्फ 60 रुपये। समोसा चाट, मटर चाट, आलू चाट, और भाई बर्गर भी है। बच्चे साथ में होते हैं ना, वो बोलते हैं मम्मी हमें चाट वाट नहीं खानी, हमको तो बर्गर ही चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पे वेज बर्गर है, पनीर बर्गर है, और पाव भाजी भी है। तो भाई यहाँ पे देखो जो पानी है वो तो इन्होंने इन मटकों के अंदर रखा ही है, लेकिन जो चटनियाँ है ना, जो दही है, वो भी यहाँ पे इन मटकों में सजा कर रखा गया। कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन है भाई इनकी। तो भाई यहाँ पे ना इस वैन पे इतना कुछ था, तो मैंने सोचा कुछ और भी ट्राई करके आपको बताते हैं। तो ये है आलू टिक्की, और भैया ने कितनी बढ़िया तरीके से ये आलू टिक्की बनाई है ना। ओए होए, मतलब मैं देखा आपने कभी आलू टिक्की की प्लेट के अंदर? ये तो ना भैया ने पूरा एक नया ही फ्यूजन बना डाला है। तो आप टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है इसका स्वाद। तो भाई ये मटका मशीन से गोलगप्पे खाने के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है 10 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि गाड़ियों से लोग यहाँ पे लिटरली शाम को 6 बजे के बाद लाइन लगा लेते। तो भाई हमारे साथ है चौधरी साहब। तो भाई कैसे खोला आपने, ये कैसे आइडिया आया वैन खोलने का? मैडम एक्चुअल में क्या है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी। और 18 साल सिविल इंजीनियर की जॉब की थी दुबई में। हाँ जी। उसके बाद मैं 18 में इंडिया आया, तो अचानक से दिमाग में ये आइडिया मेरे आया था कि मैं ऐसा कुछ अपना बिजनेस करूँ। हाँ जी। तो उसके बाद में मैंने एक से स्टार्ट किया था, अभी मेरे ये 6 स्टॉल हैं। क्या बात है, और सारे नोएडा में ही हैं? सारे नोएडा में हैं। कहाँ कहाँ पे लोकेशन बताएं? और लोकेशन 81 में है, और 112 में है, 119 में है, 1 मूर्ति, 4 मूर्ति। क्या बात है जी। तो ये आपके गोलगप्पे जो आपने इसमें मटकों में रखे हुए हैं, क्या खास है सर इनमें? एक्चुअल में क्या है मैडम, ये हमारा जो है देसी स्टाइल है। हाँ जी। और देसी स्टाइल का क्या है कि इसको हम 100% जो बोलते हैं ना, 100%
100% इसको शुद्ध करके लोगों को खिला रहे हैं। इसमें ऐसे मसाले हैं कि लोगों के जो नाम भी नहीं पता है। और जो भी खाएगा, किसी को कोई एसिडिटी प्रॉब्लम है और जैसे कब्ज़ वगैरह हो जाती है, एक बार हमारे गोलगप्पे का पानी पियो, 10 मिनट में पता लग जाएगा इंसान को कि क्या खाया है तुमने। तो किसी को अगर इन गोलगप्पों का स्वाद लेना हो तो फिर कहाँ आना है, जरा जहाँ हम खड़े हैं वहाँ का एड्रेस बता। ये मैडम 77 है, स्काई एमेटर सोसाइटी के पास में। टाइमिंग है 4 से रात को 11 बजे तक।